because he's such a positive person, people contributed that entire money. And he got, in fact, he got surplus. पैसा को बोला है और बच्चा पैदा करने अब तो एंड इट इज अ गुड विशेस ऑफ पीपल बिकॉज ही हैज डन सो मेनी गुड थिंग्स फॉर पीपल दैट यू आर एबल टू मेक दैट मनी विदाउट एनी प्रॉब्लम 9.5 लाख रुपए आराम से इकट्ठे हो गए फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम पीपल हु आर अननोन टोटली अननोन पीपल नोन पीपल ऑल्सो उसमें हमारा रोटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था लेकिन इनर व्हील ने काफ़ी दिया इनर व्हील 2.5 लाख रुपये दिए मेरे को 2.5 लाख इन अवील 2.5 लाख हमारा रोटरी ने 90,000 एंड बाकी सारा वॉज कॉन्ट्रीब्यूट बाई पीपल हुआ अन नो आई थिंक इट बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड सुना अपना पॉजिटिव सभी को गुड इवनिंग इनको हम बॉस बोलते हैं ये हमारे बॉस हैं अगर हम इनको सर बोलेंगे तो कहेंगे क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार आप मेरे को सर बोल रहे हैं तो इनको हमने बॉस बोलते हैं तो क्योंकि बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट सो जब ये हमारे पास पहली बार टेरर द डार्क का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया यार कि मैं ना आप लोगों से मिलना चाहता हूँ मैंने कहा कि यार ये कोई फ़ोन होगा कि हमने 10 ब्लाइंड बच्चों को खाना खिलाना है वो टाइप्स फीलिंग ना आप ही जानते हैं कि फ़ोन बहुत आते हैं हमारे पास पंडित लोग बोल देते हैं जी कि 10 ब्लाइंड बच्चों को खाना खिलाओ तो हमने आजकल एक वो चीज़ शुरू कर दी है कि कोई भी बोलता है जी 10 बच्चों को खाना खिलाना है तो मैं बोलता हूँ जी बिल्कुल खाएंगे लेकिन ताज में चलेंगे सो इनका मुझे फ़ोन आया कि मैंने मिलना है तो उस टाइम चंडीगढ़ में एक बड़ा क्रिटिकल केस चल रहा था वो जो एक 10 ईयर्स की बच्ची के साथ जो रेप हुआ था वो स्टोरी उस टाइम बड़ी चल रही थी तो हम सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को हमें केस क्यूरी बनाया हुआ था तो उस चक्कर में हम बहुत बिजी थे तो मैंने इनको बोला कि सर मैं आधा घंटा ऑफिस में हूँ अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ और ये पहुँच भी गए बड़े ठीक आदमी हैं पहुँच भी गए सो हमने इन्होंने मेरे को कंसेप्ट सुनाया मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है तो हमने ये किया और हमने वो जो स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस बनाया हुआ है वो भी बिल्कुल हमने वाइट बनाया हुआ है कि जिसमें हम एक हमने जूरी बनाई उन्होंने कहा कि यार पैसा तो हम दे देंगे सेलेक्ट कौन करेगा मैंने कहा हम करेंगे हमने 6 बंदों की एक जूरी बनाई जिसमें 2 से 3 रोटेरियंस और बाकी हम लोग एक ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं बच्चे अप्लाई करते हैं उनको एकेडमिकली और इकोनॉमिकली देखा जाता है कि वो बच्चे उसके लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं करते तब हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं और ये नहीं कि 20,000 हमने एक बार दे दिया एक सेमेस्टर का हम 10,000 रुपया देते हैं अगर उस सेमेस्टर में उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा तो अगला 10,000 हम तब रिलीज करते हैं ताकि जो उसकी जो स्कॉलरशिप का एक वो डिग्निटी है वो बनी रहे और हमारी जो क्वालिटी देना चाहते हैं वो रहे तो मैं भी आप सबको भी कहूंगा कि डिनर इन द डार्क एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अभी 15 मार्च को हमारा वो प्रोजेक्ट आ रहा है ताज होटल में ही करेंगे लेकिन वहां अपनी हम खिलाएंगे सो उसके बारे में सर आपको ज्यादा बताएंगे डिनर डार्क ऑफ कोर्स इज अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट एंड क्योंकि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु कैन सर्व इट कैन बी सर्व टू ओनली 50 पीपल एट अ टाइम उसमें वी हैव ऑलरेडी सर्व 40 सीट्स सीट ही सेल करता है एक्चुअली हम जो लोग डोनेट करते हैं उसके लिए फ्री डिनर है डोनेशन अमाउंट है 7,000 पाटा प्राइसिंग है 7,000 रुपये डोनेशन है तो बेसिकली एनीबडी इंटरेस्टेड आउट हेयर यू कैन बुक योर सीट एंड इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव डिनर वेरी वेरी एक्सक्लूसिव डिनर एंड लेट मी टेल यू इट चेंजेस द हम लोग फिक्र करते हैं ना फ़ोन कौन सा है गाड़ी कौन सी चला रहे हो जूते कौन से डाले हुए हैं वो एक बार डिनर में आ जाओ सब भूल जाते हो बोलता सबसे ज़्यादा जरूरी मेरी आँखें हैं यार तो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हुआ 14 ईयर्स 15 ईयर्स तो आप बोलते ना आईफोन चाहिए उनको डिनर के बारे में दे दो तुम्हारे पैसे बचेंगे आईफोन के तो दैट इज द डिनर डार्क यो नौजवानों के लिए 7,000 में आईफोन नहीं आता